आ, पूछ रहे हैं कि गैर अमदियों की तरफ से इतराज़ किया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद को शक किया गया और हजरत मिर्ज़ा साहब के लिए चांद और सूरज दोनों को ग्रहण लगा क्या ये अलैहि वसल्लम की नवज़ु तौहीन नहीं है बात सुन तोह का क्या सवाल है पहली बात तो ये ज़ैन में याद रखनी चाहिए हम बारहा अर्ज कर चुके हैं कि हज़रत मसीह मऊदलात सलाम ने यह फ़रमाया है कि मेरा अपना कुछ नहीं है मुझे जो भी मकाम मिला है जो भी मेरे निशानात हैं मेरे हक में ज़ाहिर हो रहे हैं वो सब आ की सदाकत के निशान हैं और एक या दो की बात नहीं अभी ये जो हदीस जेर बहस थी और जिसके हवाले से ताहिर नदीम साहब ने जिक्र फ़रमाया है आज़रत सल्ल व की पेश गोई है कि उसके हक में दो गवाह होंगे ये नौजिल्ला तोह वाली बात नहीं बल्कि एक पहलू से यह कि दो गवाह होंगे उसके हक में दो गवाहों से उसकी सच्चाई को साबित किया जाएगा और यह हजरत की पेश गोई है नबी अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो रही है और कोई कहे इस ये पेश का पूरा होना गोया नौजम की तो ही मुझे ये मंतक समझ में नहीं आती बिल्कुल, नहीं ये स्था तो स्था। बिल्कुल जी ये, ये तो हजरत सल्लाह की सदाकत के दो निशान वाए थे और दोनों ही बड़ी शान से पूरे हुए है तो अच्छा, मुख्तर जाम था मौी शिर आपको जब सवाल का जवाब मिल गया होगा मादात ने अनगिनत मुकाम पर फरमाया है कि मुझे जो कुछ मिला जिला अल्लाह तरफ से वह दरअसल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम की गुलामी के नतीजे में मिला और जो भी ऐसी निशान अल्लाह तप कीकत के लिए जाहिर किया वरअसल हज़र अकबदस महमद मुस्तफ़ा सल् वम कीदाकत के सबूत के तौर पर हैं क्योंकि आप हज़रत अकदस मोहम्मद मुतफ़ा सल्ह् वसम की शरीयत तो के अहिया के लिए ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे हज़रत मिर्ज़ा याबकादीनील वसल् तो लिहाजा जो भी है वह दरअस मसीम ने वाजौपे फ़रमा दिया है कि जो मुझे मिलता है जो एजाज़ अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है वो दरअसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केतबा और आपकी गुलामी और आपके इश्क के नतीजे में है